नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अश्विनी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं डीएस न्यूज। डीएस न्यूज की खास बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बाराबंकी आज पत्रकारिता दिवस के शुभ अवसर पर बाराबंकी जनपद के तेज सर्रार पत्रकार व राष्ट्रीय पत्रकार संरक्षण परिषद के प्रदेश सचिव अनिल कनौजिया जी से पत्रकारों के ऊपर हो रहे लगातार उत्पीड़न पर हमारे न्यूज एंकर अश्विनी त्रिपाठी से खास बातचीत के साथ। अश्विनी त्रिपाठी, आप देख रहे हैं डीएस न्यूज और मैं आपको आज एक बाराबंकी जनपद के तेज तर्रार पत्रकार हमारे साथ अनिल कनौजिया जी बड़े भाई उपस्थित हैं। आइए इनसे चर्चा करते हैं पत्रकारिता दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे पत्रकारिता दिवस पर। अनिल कनौजिया जी, आपका बहुत बहुत आभार है हमारे डीएस न्यूज चैनल में। आप क्या पत्रकारिता दिवस पर संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो डीएस न्यूज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पत्रकारिता दिवस के शुभ अवसर पर मैं समस्त पत्रकार बंधुओं से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जनता में जो दबे कुचले मजबूर गरीब लाचार जो पीड़ित शोषित वर्ग के लोग हैं उनकी खबर दिखाने का प्रयास करें, जो जनता हित में उनकी कहीं ना कहीं तक सहायता हो सके और जो पत्रकारों का उत्पीड़न लगातार हो रहा है वो कहीं ना कहीं बंद हो। मैं यही पत्रकार भाइयों से निवेदन करता हूं कि पत्रकारिता दिवस के शुभ अवसर पर सच्ची और ईमानदारी की लेखनी उठाएं। पत्रकारों के साथ हो रहे उत्पीड़न के विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं पत्रकार संरक्षण परिषद का प्रदेश सचिव हूँ। लगातार जनपद में जो पत्रकारों का उत्पीड़न किया जा रहा है और अदर जनपदों में भी पत्रकारों का उत्पीड़न किया जा रहा है, हमारा संगठन उनके साथ है। अगर कहीं भी हमारी जानकारी में आता है या मुझे लिखित कोई शिकायत मिलती है कि मेरा उत्पीड़न, मेरा शोषण हो रहा है कवरेज के दौरान, अगर प्रशासन फर्जी तरीके से हमारे पत्रकार भाइयों पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही करता है तो हमारा संगठन व हमारे पत्रकार साथी लामबंद होकर के रोड पर उतर करके धरना प्रदर्शन करेंगे। अपने पत्रकार हित के लिए मैं पत्रकारों की लड़ाई आर पार के लड़ने के लिए सदैव तैयार रहूंगा। पत्रकारों के साथ जो कवरेज के दौरान उत्पीड़न किया जाता है, कवरेज कर जब वो करने जाते हैं फिर अगर उन्होंने सच्ची घटना सच्ची खबर दिखा दी तो पुलिस प्रशासन या अन्य प्रशासन नेता लोग उनको फर्जी मुकदमे में फंसा कर उनको जेल भेजने का कार्य करते हैं, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं जी। और सबसे पहली बात यह है कि हम अगर सच्चाई के साथ कोई भी कवरेज दिखाते हैं तो हमारे पास भाई सबूत होता है और सबूत के साथ कवरेज करेंगे तो आगे जो भी गलती करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, ना कि पत्रकार के ऊपर कार्रवाई। अगर कहीं ना कहीं फर्जी तरीके से नेता या किसी के द्वारा पत्रकार का उत्पीड़न करके फर्जी तरीके से मुकदमा दर्ज कराया जाता तो मैं प्रेस ऑफ काउंसिल दिल्ली जा करके उन लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ जो निर्दोष हैं, मैं उनके साथ सदैव हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल कनौजिया जी मेरे चैनल से जुड़ने के लिए।